Hello, good evening, girls, and a happy and a blessed second Navratras to all of you. May Jagat Janani Ma Jagadamba brings happiness, peace, and prosperity to all of you. Wishing you the energy of Ma Durga, the prosperity of Ma Lakshmi, and the wisdom of Ma Saraswati. And wishing you all a very warm and a blessed Navratras. Jai Mata Di. So let's start our today's topic, which is based on the vector subspaces. Today we'll discuss the three important results based on the vector subspaces. So let's start with the first result. Prove that a non-empty subset W of a vector space V over a field A is a subspace of V if and only W is closed under addition and scalar multiplication. जैसे कि हमने अपने last semester fourth में देखा था, जब subgroups बनाया था तो हमने बोला कि group का कोई non-empty subset subgroup तभी बनाता है जब वो itself group बनाए, जब उसके पास itself group वाली सभी properties satisfy हो under the same binary operation. Then हमने उसकी theorems discuss की, जिसे हम criteria बोलते थे सबग्रुप का. वो क्राइटेरिया क्या था कि ग्रुप के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को हम सबग्रुप तब भी बोल सकते हैं जब उसके पास सिर्फ दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं. इटसेल्फ ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें अगर दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएं, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, तो भी हम उस ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को क्या बोलते हैं, सबग्रुप, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. वो हमने थ्योरम में प्रूव कर दिया था. देन हमने आगे जब रिजल्ट्स सब ग्रुप के लिए प्रूव करने थे तो हमारी चॉइस थी कि या तो हम सब ग्रुप की डेफिनेशन को प्रूव करें, चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें, क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, आइडेंटिटी को एंड इनवर्स को, या फिर उस क्राइटेरिया को यूज करते हुए ग्रुप के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप शो करने के लिए जस्ट दो प्रॉपर्टीज को चेक कर दें तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता था. देन उसके बाद हमने उसका सेकेंड एक और क्राइटेरिया डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप तब बनता है जब उसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो. और वो प्रॉपर्टी क्या रहती थी? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू एच. मतलब कि ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप बनाने के लिए उस सबसेट में हम दो मेंबर्स जब भी लेते हैं से ए कामा बी, So, हमारे पास ए बी इनवर्स भी उसी सबसेट में आना चाहिए. कहने का मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप बनाने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी को चेक करना है. बट वो प्रॉपर्टी जो थी हमारी, उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी भी डिस्कस की, आपने देखा मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है ए बी इनवर्स और इनवर्स की बात भी हो रही है. डेट इज मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर और इनवर्स दोनों प्रॉपर्टीज को हम चेक कर रहे हैं. क्योंकि हमने ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिखा था इसलिए मैंने ए बी इनवर्स बोला. अगर हम ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ग्रुप अंडर एडिशन है, देन हम बोलते हैं कि ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप चेक करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी चेक करनी है, डेट इज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच. वो प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हमारी ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू एच हो जाती है. एच के जब भी कोई दो मेंबर्स लें उसमें हम ए माइनस बी उनका दोनों का डिफरेंस लें तो भी वो रिजल्ट में, रिजल्ट जो है सेट में आना चाहिए. सो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप चेक करने के लिए हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को चेक करते थे. इसी तरीके से जब हमने सब रिंग्स टॉपिक पढ़ा तो हमने देखा कि ग्रुप का, सॉरी रिंग का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट सब रिंग तब बनाता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब वो इटसेल्फ रिंग बनता है. इटसेल्फ रिंग बनाना मतलब कि हमें टोटल उसमें एट प्रॉपर्टीज को चेक करना है. देन हमने उसका क्राइटेरिया डिस्कस किया और देखा कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट रिंग का, उसे सब रिंग चेक करने के लिए अगर हम सिर्फ उसकी दो प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं और वो दो प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन रहती है. इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज क्यों ली? क्योंकि हमारे पास रिंग के लिए दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हमें उन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है. और अगर वो दो प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन वाली और मल्टीप्लीकेशन वाली होल्ड कर जाती है तो हम कहते हैं कि वो रिंग का
नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो सबरिंग बना रहा है, क्योंकि वो रिंग का सबसेट होता है, सबसेट के पास उस सेट की, गिवन सेट की सभी प्रॉपर्टीज इटसेल्फ एग्जिस्ट कर जाती हैं। सो हमें चेक करने के लिए सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ता है। इन द सिमिलर मैनर आज हम देखेंगे कि वेक्टर स्पेस का अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट अगर हम लेते हैं तो उसे सबस्पेस चेक करने के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें इटसेल्फ उसमें वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टीज, टोटल 10 प्रॉपर्टीज को चेक करना पड़ता है। बट आज हम इसको देखेंगे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैंने रिजल्ट आपके सामने रखा था कि वेक्टर स्पेस का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर उसे आप चेक करने जा रहे हैं कि वो वेक्टर सबस्पेस बनता है या नहीं, उसके लिए सिर्फ हमें दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है। वो कौन सी है उस सबसेट के पास? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मैं फटाफट से आपको पिछला थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया, फिर से एक बार बोल देती हूँ। सब ग्रुप में हमने देखा कि ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप का बनता है जब वो इटसेल्फ ग्रुप बनाए, जब उसके पास इटसेल्फ ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करें अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन। देन हमने उसमें दो क्राइटेरियाज डिस्कस किए थे। वो दो क्राइटेरियाज थे कि ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप अगर आपने चेक करना है तो उसमें हम दो प्रॉपर्टीज खाली चेक करेंगे तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो सब ग्रुप बन जाता था। तो वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी रहती थी? क्लोजर प्रॉपर्टी एंड इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। देन हमने उसका एक और सेकंड क्राइटेरिया पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप तब बनाता है जब उसके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी हो, बट वो एक प्रॉपर्टी में दोनों प्रॉपर्टीज चेक हो रही थी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंग्स टू एच। देन इसी तरीके से सबरिंग में भी हमने देखा कि रिंग का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट सबरिंग तब बनाता है जब वो इटसेल्फ रिंग बनाए, उसके पास 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो। देन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने देखा कि रिंग का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट सबरिंग तब बनाता है जब उसके पास सिर्फ दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं, और वो दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन रहती है। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमारे पास रिंग का वो सबसेट है तो वो बाकी वाली प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट कर जाती हैं। नाउ आज का जो मेन टॉपिक है वो वेक्टर सबस्पेसेस है, और वेक्टर सबस्पेसेस में भी इसका रिजल्ट उन्हीं की हेल्प से प्रूव हो जाता है कि वेक्टर स्पेस में अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं और उस नॉन एम्प्टी सबसेट में हम इटसेल्फ उसको वेक्टर स्पेस चेक करना जा रहे हैं क्योंकि हमने उसे वेक्टर सबस्पेस बनाना है, उसकी डेफिनेशन कहती है उसे उसमें भी वेक्टर स्पेस की 10 की 10 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए नॉन एम्प्टी सबसेट के पास, तो हम उसकी जगह सिर्फ अगर दो प्रॉपर्टीज को चेक कर दें, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वाली और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली, तो भी वो नॉन एम्प्टी सबसेट क्या बना देगा? वेक्टर सबस्पेस। पहले हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, देन हम इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है? तो प्रूव करने के लिए इसमें हमने देखा कि थ्योरम में दो पार्ट्स हैं, इफ एंड ओनली इफ अगर आ जाता है तो उसमें हमें उस थ्योरम का नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट दोनों प्रूव करना पड़ता है। सो नेसेसरी पार्ट में हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि नॉन एम्प्टी सबसेट W जो है वेक्टर स्पेस का वो वेक्टर सबस्पेस बना रहा है। सपोज कर लेंगे कि नॉन एम्प्टी सबसेट W जो है वेक्टर स्पेस का वो सबस्पेस बना रहा है। अब हमें उसमें शो करना है कि उस सबसेट के पास दो प्रॉपर्टीज हैं। सो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने बोला कि वो वेक्टर सबस्पेस बनाता है तो डेफिनेशन वेक्टर सबस्पेस की कहती है कि उसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी होगी और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होगी और साथ में बाकी की 8 प्रॉपर्टीज भी होंगी, बट हमें तो यहाँ पे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज की जरूरत है। हमने बोला कि W जो है वो सबसेट है वेक्टर स्पेस का, बट वो साथ साथ में सबस्पेस बना रहा है, और अगर वो सबस्पेस बना रहा है तो उसके पास 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। अब वो 10 प्रॉपर्टीज के बाद हमारे पास होल्ड करने के बाद हमें प्रूव करना है कि सिर्फ दो प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन वाली और क्लोजर प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली, तो उन 10 में से ही तो ये दो सेटिस्फाई हो जाती है। सो हमारा जो रिजल्ट नेसेसरी पार्ट का रहेगा वो ऑब्वियस रिजल्ट है कि अगर वो सबस्पेस बनाता है इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है, और अगर इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है तो W जो है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन रहता है। दिस प्रूव्स योर नेसेसरी पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि वेक्टर स्पेस का नॉन एम्प्टी सबसेट है W,
जिसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन वाली और क्लोजर प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली. नाउ हमें प्रूव करना है कि W क्या बनता है, सबस्पेस. W को सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमें डेफिनेशन की हेल्प लेनी है, और डेफिनेशन की हेल्प लेते हैं तो हमें 10 प्रॉपर्टीज शो करनी है, बट हमने उसमें दो प्रॉपर्टीज को सपोज कर लिया है. इसका मतलब अब हमारे पास पेंडिंग प्रॉपर्टीज प्रूव करने वाली कितनी रह गई, टोटल 8 प्रॉपर्टीज. उन 8 प्रॉपर्टीज में भी हमारे पास बाकी सब प्रॉपर्टीज जो हैं, बिकॉज W जो है वो V का सबसेट है. W अगर V का सबसेट है तो W का हर मेंबर V से ही आ रहा है, और V में वो सब प्रॉपर्टीज हैं तो W में भी आ जाती हैं. बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हमारे पास जब हमने W को सबसे पहले एबिलियन ग्रुप चेक करना है अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन चेक करनी थी, वो ऑलरेडी हमने सपोज की है, वो एग्जिस्ट कर जाएगी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम W में जैसे ही 3 मेंबर्स को कंसिडर करेंगे, वो W जो है वो हमने नॉन एम्प्टी सबसेट V का रखा है, तो वो तीनों W के मेंबर V में आ जाएंगे, और V के हर मेंबर के पास ऑलरेडी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी. आपको जस्ट रीजन देना है, सिंस W इज अ सबसेट ऑफ V, सो एवरी एलिमेंट ऑफ W इज एन एलिमेंट ऑफ V. सो V के पास तो ऑलरेडी एसोसिएटिव लॉ था, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर थी, तो हमें इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. जस्ट आपको उसमें रीजन देना है, सिंस W इज अ सबसेट ऑफ V, सो W सेटिस्फाइज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, विच इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर टू डिस्कस, बिकॉज जीरो एलिमेंट हमें W में शो करना है. हमें मालूम है कि जीरो एलिमेंट V के पास है, W V का सबसेट है. अब वो सबसेट में भी, उस सबसेट में V के सभी मेंबर्स आए या ना आए, जीरो मेंबर उसमें आए या ना आए, तो हमें शो करना है कि जो जीरो मेंबर V का था वो W में भी एग्जिस्ट करता है. जो जीरो आइडेंटिटी V की थी अंडर एडिशन, वो W में भी आ रही है. उसे चेक करने के लिए हम कैसे रिजल्ट को प्रूव करेंगे, हमारे पास जब V था तो वेक्टर स्पेस विदाउट फील्ड नहीं होता है. वेक्टर स्पेस में हमेशा आपके पास एक फील्ड गिवन होती है, वही आपकी सबस्पेस की भी फील्ड बनती है. सो हम उस F की हेल्प ले सकते हैं, और अगर हमारे पास फील्ड में गिवन है तो फील्ड तो विदाउट आइडेंटिटी बनता नहीं है, फील्ड में तो यूनिट एलिमेंट प्रेजेंट होता है. सो हम फील्ड की आइडेंटिटी को कंसीडर करेंगे. जैसे ही हम बोलेंगे वन एलिमेंट F में है, क्योंकि फील्ड इज अ रिंग होती है विद यूनिट एलिमेंट, वन एलिमेंट फील्ड में है, साथ साथ में वो फील्ड जो था अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप को भी सेटिस्फाई करता था, हर मेंबर का इनवर्स था, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि माइनस वन भी फील्ड को बिलोंग करता था. हमारा जो कन्वर्स पार्ट है उसमें, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें W को, W जो कि एक V का नॉन एम्प्टी सबसेट ले रही हूँ, और उसमें दो प्रॉपर्टीज को सपोज करके चल रही हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिशन वाली और क्लोजर प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली, बट W को मुझे सबस्पेस प्रूव करने के लिए टोटल 10 प्रॉपर्टीज बतानी थी. उन 10 प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए दो को तो मैंने सपोज कर लिया है, बाकी 8 प्रॉपर्टीज को हमने चेक करना है. वो 8 प्रॉपर्टीज में आपको बहुत हेल्प करेगा कि हमने W सबसेट लिया है V का, तो V के एलिमेंट्स में जो प्रॉपर्टीज थी वो W के पास आ जाती हैं, बट जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव करने वाली है वो कौन सी है, कि जो जीरो एलिमेंट V का था, जो कि आइडेंटिटी थी V में, वो W में आती है या नहीं आती है, क्योंकि सबसेट जो है मे भी उसपे उसके पास जीरो एलिमेंट V का आए या ना आए, क्योंकि सबसेट में जरूरी नहीं होता कि V के सभी मेंबर्स आएंगे. सो जीरो मेंबर को शो करना जरूरी है, और दूसरा हमें ये बताना है कि W का हर मेंबर का इनवर्स W में एग्जिस्ट कर रहा है. एक्चुअल में V के हर मेंबर का इनवर्स V में है, बट हमें शो करना है कि V के जो मेंबर्स हमने W में ले लिए हैं, उस W के हर मेंबर का इनवर्स V में तो मिल जाएगा, बट हमें देखना है कि W के हर मेंबर का इनवर्स W के अंदर आना चाहिए. सो हमारे पास जो मेजर इशू रहेगा इस थ्योरम में, मेजर प्रॉब्लम रहेगी इसमें प्रूव करने वाली, वो एक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए रहेगा, और दूसरा इनवर्स वाली प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बट वो ऑलरेडी हमने सपोज की हुई है. बाकी सब प्रॉपर्टीज हम सीधे रीजन देंगे कि W सबसेट है V का, W का हर मेंबर V का मेंबर है, और V में वो हर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी, सो W में भी हो जाएगी. सिर्फ हमें दो प्रॉपर्टीज को चेक करना है. जैसे कि मैं जीरो एलिमेंट की बात करने जा रही थी, कि जीरो को W में शो करना है, और जीरो को W में शो करने के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि फील्ड हमारे पास गिवन है, और फील्ड में यूनिटी होती है, और उसके हर मेंबर का एडिटिव इनवर्स हमें मिलता है. सो आप डायरेक्टली बोल दो कि -1 जो है वो फील्ड का मेंबर है, और -1 अगर फील्ड में है तो
तो मुझे जीरो मेंबर शो करना है, वो माइनस वन की हेल्प से तो नहीं आएगा। हमें माइनस से एक पता चल जाता है कि हमारे पास इनवर्स मिल सकते हैं। यही एक थ्योरम है जहां पे हम आइडेंटिटी से पहले इनवर्स को चेक करेंगे। इस थ्योरम में आइडेंटिटी एलिमेंट को ढूंढने से पहले हम इनवर्स की बात करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, आइडेंटिटी मिलती है तो इनवर्स ढूंढते हैं, बट इस थ्योरम में क्या करेंगे, पहले W के हर मेंबर का इनवर्स ढूंढेंगे, देन हम जीरो को शो करेंगे कि W में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके लिए मैंने क्या किया कि माइनस वन फील्ड में है, ले ली हेल्प फील्ड की। उसके बाद बोला कि W के हर मेंबर का इनवर्स बताना है, तो W का एक मेंबर कंसीडर कर लो ऑर्बिटरी, दैट इज X। जैसे कि मैंने अभी स्क्रीन पे भी शो किया है, माइनस वन फील्ड में है, एक्स डब्ल्यू में लेट किया है ऑर्बिट्रेरी मेंबर, और डब्ल्यू में आपने ऊपर सपोज किया है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या रहती है, एक मेंबर फील्ड का एक मेंबर सेट का मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेट में आ जाता है। फील्ड का मेंबर सेट के मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होने में सेट में आ जाता है। सो माइनस वन इंटू एक्स किस में आ जाएगा, डब्ल्यू में। हमने देखा डब्ल्यू का एक ऑर्बिट्रेरी मेंबर कंसिडर किया था, W के ऑर्बिट्रेरी मेंबर का इनवर्स W में एग्जिस्ट कर गया। सो इसी तरीके से अगर ऑर्बिट्रेरी मेंबर का इनवर्स आ जाता है तो हम बोलेंगे W के हर मेंबर का इनवर्स W में एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, अब हमें जीरो एलिमेंट को W में ढूंढना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। वो कैसे ढूंढेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे पास W एक नॉन एम्प्टी सेट था, मतलब कि वो खाली नहीं था, कम से कम एक मेंबर उसमें एग्जिस्ट करता था, और वो जो एक मेंबर है वो हमें मालूम है सबसे छोटा भी सबसेट लेते हैं सबस्पेस बनाने के लिए या स्पेस बनाने के लिए, वो जीरो ही कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पे हमें उसे ढूंढना है जीरो को। एक्स है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट है, तो कोई ना कोई मेंबर तो होगा, खाली नहीं है, कम से कम एक मेंबर तो है, सो एक्स कंसीडर कर लो। जैसे ही एक्स कंसीडर किया, इससे पहले हमने प्रूव किया है कि उस सेट का कोई भी मेंबर लोगे इनवर्स उसी में एग्जिस्ट करता है। एक्स है डब्ल्यू में, तो माइनस एक्स भी डब्ल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है। एक्स और माइनस एक्स डब्ल्यू में आने से हमारे पास ऊपर हमने दो प्रॉपर्टीज को सपोज किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। अब हम हेल्प लेने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की, जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर x w में है, माइनस x भी w में है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। x प्लस माइनस x भी किस में होगा, w में, बिकॉज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी इन w। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस माइनस x विच इज इक्वल टू जीरो, जीरो किस में आ जाता है, W में। यही तो हम ढूंढ रहे थे कि W में जीरो एलिमेंट मिलना चाहिए, और ये जो W का जीरो मेंबर मिला, ये W की आइडेंटिटी है अंडर एडिशन, ये हमें चेक करके बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, W का एक मेंबर लेंगे और उसमें जीरो को ऐड करके देख लो, क्योंकि वो मेंबर जीरो W का जो है वो लिया गया V में से ही है, क्योंकि पूरा सेट, बड़ा वाला सेट जो है, V के ही मेंबर्स W में आ रहे हैं। सो जीरो तो मिल गया W में। हमने बोला कि एक x मेंबर w का लेते हैं और देखते हैं कि वो w के किसी भी मेंबर में ऐड करने पे आपको सेम रिजल्ट देता है या नहीं देता है। उसको चेक करने के लिए जैसे ही x नंबर लिया w में, w का तो हर मेंबर v का था, सो x मेंबर भी v का ही है एक्चुअल में, और जीरो मेंबर भी v का ही है। दोनों को ऐड करोगे, जीरो उसकी v की आइडेंटिटी थी, वो आपको सेम रिजल्ट दे देगी। हमने देखा कि यहाँ पे इस थ्योरम में हमारे पास w में v का एक नॉन एम्प्टी सबसेट था, उसके पास सिर्फ दो प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसकी हेल्प से हमने पहले इनवर्स मेंबर ढूंढा सेट के हर मेंबर का, W सेट के हर मेंबर का इनवर्स W में ढूंढा, और W का जीरो मेंबर देखा, वो भी मिल गया। देन मैंने बोला कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, W में जब भी मेंबर्स लोगे आप बोलोगे W सबसेट है वी का, वी का हर मेंबर में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज हैं, सो W में भी होल्ड कर जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करना चाहें, तो उसमें आप देख सकते हो कि W सबसेट है V का, और अगर W V का सबसेट है तो W का हर मेंबर V में है। उसके लिए आप जैसे ही मेंबर लोगे W का और V में आ जाएगा, और फील्ड में मेंबर लोगे तो वो ऑलरेडी V के पास वो प्रॉपर्टीज हैं, सो W में भी एग्जिस्ट कर जाएंगी। ठीक है, सो दिस प्रूव्स दैट W सेटिस्फाइज ऑल द एक्सियम्स ऑफ द वेक्टर स्पेस। और अगर W सभी एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा जो कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए जरूरी थी, तो W क्या बना देगा, W इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस, बट सबसेट होने के कारण उसे हम क्या बोल देंगे, सबस्पेस। सो दिस इज
आज के लिए, इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.